सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से देखना है, क्या एक्स रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इक्वल टू 7 है एंड एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 19 है। तो पूछा है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर रूट एक्स है और यहाँ पर रूट वाई है। एक्स के साथ एक्स और यहाँ पर एक्स के साथ रूट वाई है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर है रूट एक्स रूट वाई और रूट एक्स। जब भी ऐसी रूट में इक्वेशन होती है ना तो उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रूट में नंबर होगा ना उसके लिए हम एक कोई टर्म एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट एक्स है तो मैं लिखता हूँ लेट रूट एक्स इक्वल टू ए एंड रूट वाई इक्वल टू बी। ठीक है, हम इन दोनों के लिए एक एक टर्म हमने एज्यूम कर लिया। अब रूट एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, राइट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक्स और रूट एक्स दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम इन सिंपली इन वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो रूट एक्स की जगह ए पुट करेंगे और एक्स की जगह ए स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 7। ये पहली इक्वेशन इस तरह बन जाएगी और यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर और रूट वाई बी, तो ए स्क्वायर बी प्लस यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर ए इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, हमने 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए और 19 × 3 = 57, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए इक्वल टू 7 + 57। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला बन जाए, आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, ये होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और 7 + 57 क्या होगा, 64। अब देखिए हमें इसमें से अगर ए प्लस बी फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, मतलब दोनों की तरफ पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4। तो हमें यहाँ पर ए प्लस बी का आंसर मिला 4। अब ध्यान रखना ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी मिला है, फाइंड आउट क्या करना है, एक्स प्लस वाई करना है फाइंड आउट। ठीक है, कई लोग यहाँ पर ए प्लस बी मिल गया तो यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिलेगा तो मिलेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी तो ए प्लस बी मतलब रूट एक्स प्लस रूट वाई ये 4 आया है, पर हमें चाहिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, गलती मत करना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए प्लस बी हमें मिल गया तो हम इस दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे, कैसे, देखिए 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 57। ठीक है, अब हम इन तीनों में से क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकते हैं, 3ab दोनों में कॉमन है, अगर यहां से 3ab निकला तो बचेगा सिर्फ a क्योंकि a स्क्वायर है और यहां पर बचेगा b इक्वल टू 57। अब देखिए ab इंटू 3 और a प्लस बी की वैल्यू मिल गई हमें 4 इक्वल टू 57। ठीक है, तो ab की वैल्यू क्या मिलेगी, 57/12। ठीक है, ये ab की वैल्यू मिली। अब हम इन दोनों वैल्यू की मदद से एक्स प्लस वाई मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे एंड आई एम श्योर आपको पता चल गया हो कि हमने दोनों तरफ यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्मूला बन जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी आ जाएगा और 3 बी स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही सिंपली तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा, हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूला में देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 57/12, 2 × 6 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 16, ये यहां पर आएगा तो 57/6 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पर आएगा 96
16 × 6 -57 / 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ क्या कि हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसकी वजह से ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई और ए बी की वैल्यू मिल गई इसी क्वेश्चन में। फिर इन दोनों की मदद से सिर्फ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने ली थी एक्स, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 6। तो हमें आंसर मिल गया, देखिए एक्स प्लस वाई हमें फाइंड आउट करने को बोला था और वो हमें यहाँ पर मिल गया 39 डिवाइड बाई 6। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो मुझे, मैं आपको आंसर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।